तो जैसे ब्रांड्स की तरफ से आपको हर बार एक नया सीरीज देखने को मिल जाता है, ठीक वैसे ही सैमसंग की तरफ से आपको एक नया सीरीज देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी एफ सीरीज। तो इस सीरीज में आपको एक नया स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर मिल जाएगा और ये जो सीरीज है ओनली फॉर इंडिया होने वाला है, जिसके अंदर आपको सैमसंग गैलेक्सी एफ 41 के नाम से एक नया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा और इस फोन का डिजाइन आपको बिल्कुल वही सेम मिलेगा जैसे आपको सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज में देखने को मिलता है, यानी कि आपको पीछे वही सिमिलर डिजाइन मिलेगा, वही सिमिलर कटआउट देखने को मिलेगा कैमरे के लिए और जो टेक्सचर है ये आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है। और इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी एफ 41 के अंदर आपको 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा और साथ में यहाँ पर आपको पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा और इस बार आपको यहाँ पर एक इन्फिनिटी यू डिजाइन के साथ नॉच देखने को मिलेगा फ्रंट सेल्फी कैमरे के लिए। और बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो शायद आपको याद होगा कि सैमसंग के हर एक स्मार्टफोन में, यानी कि सैमसंग के जितने भी मिड रेंज स्मार्टफोन्स हैं उन सभी में आपको एक ही प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और वो है एक्सिनोस 9611 का। तो इस बार भी इस फोन में आपको वही सेम प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो उतना भी कुछ खास नहीं है, मतलब इसमें आपको उतना भी पावरफुल प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर सैमसंग इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर या फिर कोई और प्रोसेसर अगर इंक्लूड करता तो शायद और भी बेटर हो सकता था, क्योंकि ये एक नया सीरीज है तो नया प्रोसेसर होने से शायद हम सभी को अच्छा लगता। और इसी के साथ इस फोन में आपको 6GB रैम, 8GB रैम, 64GB का इंटरनल स्टोरेज और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। और कैमरे की बात करें तो इस बार सैमसंग गैलेक्सी एफ 41 के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इस बार आपको पीछे स्क्वायरी कटआउट के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा जिसमें मेन कैमरा लेंस आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा और थर्ड में आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा और वो भी यूसेफ नॉच के साथ। और बात करें इसके बैटरी के बारे में तो इस बार इस फोन में आपको 6000mAh का बिग बैटरी देखने को मिलेगा, साथ में 15W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको इस फोन में मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हम बैटरी या फिर डिस्प्ले के बारे में बात करें तो सैमसंग इसमें पीछे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बाकी फोन्स के मुकाबले बहुत ही अच्छा डिस्प्ले मिलता है और साथ में बैटरी बैकअप भी आपको बहुत ही पावरफुल मिलता है। तो इस हिसाब से ये फोन बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलता तो शायद और भी अच्छा लगता। तो ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही जल्द आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इसके हर एक स्पेक्स लीक होने स्टार्ट हो चुके हैं। और इस फोन के अगर हम प्राइस रेंज को गेस करें कि ये किस प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च हो सकता है तो शायद हमें लगता है कि ये फोन आपको 18000 के आसपास मिल जाएगा। जी हाँ, तो देखते हैं कि ये फोन किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है और आपको क्या लगता है कि सैमसंग गैलेक्सी एफ 41 को किस प्राइस रेंज में लॉन्च होना चाहिए, आप नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।